तो ये मेरा ब्लॉग है और इस पे जो ये रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ है इसे प्रेस करना है, उसके बाद बेल बटन को प्रेस करना है, फिर ऑल पे जाके क्लिक करना है और ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। तो आप प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। आज मेरा फर्स्ट डोज लग गई है वैक्सीन की और हस्बैंड की सेकंड डोज। मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, काफ़ी टाइम से ये मेरे पीछे पड़े थे, पर मुझे इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डर लगता है तो इसलिए मैं जल्दी आई ही नहीं, तो आज नहीं बच सकी, इसलिए लगवा के मैं सभी आई हूँ। फ़िलहाल तो सही लग रहा है, इंजेक्शन लगने से डर लगता है और लगवाना था ज़रूरी तो मैंने सोचा चलो लगवा लेते हैं। बस मैं लगा के अब जा रही हूँ घर, और अब मैं जा रही हूँ वापस घर के लिए। वैसे सोचा था कि काफ़ी टाइम लगेगा लेकिन इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो यहाँ पे हम लोग पार्क में आए हैं और अभी टाइम है क्योंकि हनी को भी स्कूल से लेना है, तो वैसे तो ऐसे टाइम से निकले थे कि मतलब लेते हुए वापस घर पहुँच जाएंगे, तो अभी 1 घंटा है तो घर अभी नहीं गई मैं। मैंने सोचा इतनी मुश्किल से तो घर से निकल पाओ, तो थोड़ा सा पास में ही बिल्कुल पार्क है उसी में ही थोड़ा टहल रही हूँ। ये तो बोल रहे हैं कि बैठ जाओ और चक्कर आ जाएगा, तो मैंने बोला इनसे कि आप हैं ना उठाने के लिए मुझे अगर ऐसा होगा तो वैसे ऐसा मुझे अभी कुछ फील नहीं हो रहा है, और जितना डर रही थी लगवाने में तो मैंने बोला ना कि मुझे वैक्सीन से नहीं इंजेक्शन से डर लगता है, वो चाहे जब भी मुझे लगवाना पड़ा है तो मैं हमेशा पीछे भागी हूँ, इसलिए मैंने कभी भी जल्दी आने का नहीं सोचा था कि जब तक टलता रहे तब लगवाऊंगी। तो इनकी फर्स्ट डोज तो पहले ही लग चुकी थी और मैंने सोचा कि आज तो लगवाना ही पड़ेगा, बच्चे भी काफ़ी दिन से जिद कर रहे थे मम्मा आप कितना डरती हैं, तो मैंने भी बोला कि हाँ भैया मुझे तो बहुत डर लगता है, लेकिन आज डर निकल गया थोड़ा। तो ये पार्क काफ़ी अच्छा है और काश ऐसा होता कि मेरा भी घर जो है तो पार्क के सामने होता, और यहाँ पे काफ़ी लोग सो रहे हैं, धूप सेक रहे हैं और नींद भी अच्छी आती है, मुझे भी धूप में सोना बहुत पसंद है, मगर यहाँ पे तो मैं नहीं लेट सकती, लेकिन काफ़ी लोग आराम कर रहे हैं और धूप का मज़ा ले रहे हैं, मुझे भी धूप अच्छी लगती है, इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे छाया में लेके आ गए हैं। और वैक्सीन के साथ साथ थोड़ा सा टहलने का भी मौका मिल गया मुझे, ये मेरे लिए अच्छा है क्योंकि घर से ठंड में काम इतना हो जाता है कि निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको पार्क का व्यू दिखाती हूँ और अब मैं जा रही हूँ हनी के स्कूल। अभी वैसे थोड़ा टाइम है लेकिन यहाँ पे आ गई हूँ तो यहाँ पे पास में है, तब तक थोड़ा सा टहलूँगी और जैसे ही टाइम होगा तो हनी को लेते हुए फिर घर जाऊंगी स्कूल से। काफ़ी भीड़ भी है यहाँ पे। तो हनी की स्कूल की छुट्टी हो गई है और गेट खुल गया है और मैं जा रही हूँ हनी को लेने के लिए स्कूल में। वैसे फील्ड में ही बच्चे लाइन से रहते हैं तो लेने में भी आराम रहता है, ये आगे आगे हैं क्योंकि इन्हें ज़्यादातर यही लेने आते हैं तो इनको पता है, और मैं पीछे पीछे चल रही हूँ। और यहाँ पे जो सर हैं वो एनसीसी के बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो मैं उन्हें देख रही हूँ काफ़ी गौर से, और काफ़ी बच्चे जा रहे हैं मम्मी पापा के साथ, और हनी भी मुझे ढूंढ रहा होगा क्योंकि उसको आज पता है कि मम्मा लेने आएगी, तो काफ़ी खुश भी था सुबह। और जो है तो भीड़ काफ़ी है क्योंकि एक साथ बच्चे जो हैं, तो छोटे बच्चों में होता भी है कि पेरेंट्स आते हैं उन्हें लेने तो टाइम से ही रहता है आने का, क्योंकि बच्चे जो हैं अगर थोड़ा भी लेट हो जाओ तो नर्वस हो जाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ले लिया है और हनी जा रहा है स्लाइड करने, जैसा कि उसका रहता है कि मम्मा आई हैं तो मैं स्लाइड ज़रूर करूँगा, तो वो जा रहा है कि पापा मुझे स्लाइड भी करना है, वहीं पे ये लेके जा रहे हैं और मैं भी जा रही हूँ पीछे साथ में। और यहाँ पे हनी कर रहा है स्लाइड, उसे काफ़ी मज़ा आ रहा है, थोड़ा बहुत डरता है लेकिन पहले से डर काफ़ी निकला है तो ये दोबारा कर रहा है, दोबारा थोड़ा सा नर्वस हुआ, बोला मम्मा कड़ा फंस गया शायद जो हाथ में पहने था,
मगर उसने कर लिया। और अब हम लोग जा रहे हैं घर के लिए, हनी को ले लिया है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, जो आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और वैसे हाथ में अभी थोड़ा बहुत पेन है जो धीरे धीरे जाएगा। और मैं घर पे जैसे ही आई हनी को लेके, तो खाना ना खाया, फिर थोड़ा आराम किया, तो वैसे अब ठीक हूँ। और मैं आज इसलिए खुश थोड़ा और भी हूँ क्योंकि मेरे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, जो मेरे लिए काफ़ी खुशी की बात है, क्योंकि यहाँ तक भी पहुँचना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये सब आप लोग के सपोर्ट की वजह से हो सका। तो कोशिश करूँगी अच्छे से अच्छे व्लॉग बनाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा समय दे पाऊँ, क्योंकि टाइम इतना नहीं मिल पाता है और काम भी ठंड में थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होता है करना। तो थैंक यू आप सभी को जिन्होंने मेरे व्लॉग को लाइक किया, सब्सक्राइब किया। और मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।